हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। जो समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा है और खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा है, इसको लेकर के और कई दिनों से आप लोग पूछ रहे हैं, तो आज मुझे समय मिला है आपको उस प्रश्न का जवाब देने के लिए। सवाल आपका ये है कि जो पत्र के अंतर्गत, पत्र लेखन के अंतर्गत जो प्रश्न आता है कि प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए और प्रारूप की रूपरेखा बनाइए, ठीक है। इन तीनों सवाल के जो जवाब हैं वो आज हम आपको प्रॉपर तरीके से देने जा रहे हैं, जो मेरी समझ में है, जो हमने अन्य लोगों से परामर्श लिया है, ठीक। हालांकि इसका कोई भी ऑफिशियल ऐसा प्रारूप लोक सेवा आयोग ने जारी नहीं किया है, ठीक है। प्रश्न देखिए कैसे पूछा गया है, मैं पेपर लेके आया हूं, आपको पढ़ के बताता हूं। ये समीक्षा अधिकारी 2017 का पेपर है, मुख्य परीक्षा का, और जो खंड शिक्षा अधिकारी वाले हमारे स्टूडेंट हैं वो भी इस बात को समझ लें, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी में ये परीक्षा इस पैटर्न पर पहली बार हो रही है, इसलिए जो समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा होती आई है तो उसी प्रकार से पत्र वहां पर भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोनों परीक्षाओं के विद्यार्थी, चाहे वो समीक्षा अधिकारी वाले हों या फिर खंड शिक्षा अधिकारी वाले हों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। प्रश्न देखिए 2017 में पूछा गया है कि अर्थशास्त्री पत्र का लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। अब देखिए सवाल यह है कि पत्र का प्रारूप और पत्र का लिखित प्रारूप और पत्र की रूपरेखा, तीनों में अंतर क्या है और आपको लिखना क्या है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न अगर सीधा सीधा पूछा जाए, जैसे कि एक यहां पर पूछा गया है कि ज्ञाप का आशय समझाते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए, ठीक है। या फिर एक सवाल ये आया है, ये है समीक्षा अधिकारी 2014 का पेपर है, इसमें पूछा गया है कि इसमें नहीं है, 2013 वाले में है, एक मिनट में देख रहा हूं। हाँ, 2013 में पूछा गया है कि एक अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको लिखना क्या है, 2013 का पेपर है समीक्षा अधिकारी का, इसमें आपको लिखना है जब पूछा गया कि एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, यहां लिखित शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ प्रारूप शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो आपको क्या करना है कि अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा देनी है और उसका प्रारूप बना देना है। प्रारूप कैसा बनाना है, जैसा मैंने आपको पीडीएफ में दिया है, जो डॉट डॉट करके आपको लिखना है, वो होता है प्रारूप, ठीक है, सिर्फ वो प्रारूप है, ठीक है। तो अगर प्रारूप अगर पूछा जाए तो आपको वो लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, कुछ लोग पूछते हैं सर विशेषताएं लिखें कि ना लिखें, ठीक है, तो उनको सलाह मैं ये दूंगा कि आपका अगर समय अलाउ करता है और आपका अगर कॉपी का पेज अलाउ करता है तो फिर आप विशेषताएं भी लिख सकते हैं, अगर नहीं अलाउ करता है तो फिर आप अर्थसरकारी पत्र की परिभाषा और उसका प्रारूप आप बना दीजिए, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न आता है तो काम चल जाएगा, अगर समय अलाउ करता है, कॉपी अलाउ करती है, तो फिर आप विशेषताएं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी कॉपी मिलेगी उसमें ऑलरेडी प्रश्न लिखा हुआ होता है और उस प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए स्पेस दिया होता है कि इतने स्पेस में आपको ये उत्तर लिखना है, ठीक है। ये नहीं मतलब कि कितना भी लंबा आप लिखते, चूंकि अगले पेज पर आपको दूसरा प्रश्न मिल जाएगा तो उतने ही पेज में आपको सीमित शब्दों में अपना उत्तर लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो हो गया सिर्फ प्रारूप में, क्या यानी कि आपको सिर्फ क्या लिखना है, प्रारूप की बात हो गई है यहां पर, ठीक है, यानी कि आपने डॉट डॉट करके प्रारूप बना दिया, ठीक। अब सवाल उठता है कि पत्र का लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, जैसे कि पूछा गया है 2017 का पेपर है ये, इसमें पूछा गया है अर्ध सरकारी पत्र का लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। अब देखिए चाहे कोई भी किताब हो, जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें हिंदी की हैं, चाहे वो हरदेव भारी हो, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे हो, वासुदेव नंदन प्रसाद हो, ठीक, या जो भी आप किताबें पढ़ते हैं, किसी भी बुक में स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि लिखित प्रारूप क्या होता है। यहां तक कि लोक सेवा आयोग ने भी कोई मॉडल आंसर कुछ नहीं बताया है कि लिखित प्रारूप में आपको लिखना क्या है। लिखित प्रारूप में आपको सिर्फ प्रारूप बनाना है कि उदाहरण लिखना है, या फिर मतलब कुछ डॉट डॉट छोड़ना है, कुछ लिखना है, क्या लिखना है, ये कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। ऐसी सवाल पूछा गया है, ज्ञाप का आशय समझाते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए,
ठीक है। एक सवाल है, विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, यानी कि पत्र की यानी कि प्रारूप की रूपरेखा, ठीक है। अब देखिए, जहां पर लिखित प्रारूप या रूपरेखा पूछी जाए, तो जो मैंने एनालिसिस किया है, जो हमारे सीनियर हैं या जो भी हमारे मतलब हैं परिचित के, जो भी हमारे फ्रेंड सर्किल में हैं लोग जानने वाले, उनसे मैंने संपर्क किया और मेरा खुद का जो अनुभव रहा है, तो उस आधार पर हम आपको अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि ये पत्थर की लकीर है और इसको आप मानिए, ठीक है, हम बिल्कुल नहीं कहते हैं, लेकिन जो हमारी समझ में है हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मानना या ना मानना वो आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं, मेरी बात को आप मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर जहां पर लिखित प्रारूप पूछा जाए या फिर पत्र की रूपरेखा पूछी जाए, तो मैं यही कहूंगा कि आप वहां पर पूरा उदाहरण लिख करके आइए, ठीक है। जब आप उदाहरण लिखेंगे तो प्रारूप तो आपका बन ही गया, ठीक है, और पूरा एग्जाम्पल आपने लिख दिया तो वो लिखित रूप में भी हो गया, ठीक है, या उसकी रूपरेखा भी बन गई। क्योंकि जब आप लेटर लिखेंगे, चाहे वो सरकारी पत्र हो, चाहे वो अर्ध सरकारी पत्र हो, ज्ञाप हो, विज्ञप्ति हो, कार्यालय आदेश हो, अनुस्मारक, कुछ भी हो, ठीक है, तो अगर आपने पूरा एग्जाम्पल लिख दिया है तो वहां पर प्रारूप भी बन गया और आपका जो है लिखित भी हो गया, ठीक है, उसकी रूपरेखा भी हो गई, ठीक है। तो हमारा ये व्यक्तिगत सुझाव है, ये सर्वमान्य बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो मैं बोल रहा हूं वो 100% सत्य है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो आप लोगों के प्रश्न हैं उनका मैंने जवाब देने का प्रयास किया है, बहुत से इस पर रिसर्च किया है, कई लोगों से संपर्क किया है, ठीक है, इसलिए आंसर देने में थोड़ी देरी हो गई है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट आंसर चाह रहा था लेकिन वो मिल नहीं पाया, क्या होना चाहिए, जो भी मिल पाया है वो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो जहां पर लिखित प्रारूप और प्रारूप के पत्र की रूपरेखा अगर प्रस्तुत करने को कहा जाए, तो वहां पर अगर आप लोग उदाहरण लिख करके आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। जैसे सवाल है कि ज्ञाप का आशय समझाते हुए, आशय मतलब परिभाषा, ठीक है, ज्ञाप की आप परिभाषा दे दीजिए और उसका लिखित प्रारूप बनाइए, ठीक है, तो आप लिखित प्रारूप भी बना देंगे, ठीक। प्रश्न आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो दोनों आपके काम हो जाएंगे, प्रारूप भी बन जाएगा और आपका लिखित भी हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जामिनर कितने नंबर देगा उसकी क्या मर्जी है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आयोग इसका एक मॉडल आंसर जारी कर देता कि आपको प्रारूप में ये करना होगा और लिखित प्रारूप में ये करना होगा, रूपरेखा में आपको ये बनाना होगा, तो और इजीली हो जाता, बड़ा आसान हो जाता, तो हम लोग वही लिख करके आ जाते, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैंने भी परीक्षा में यही लिखा था जो मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि ज्ञाप का आशय समझाते हुए उसका लिखित प्रारूप, यानी कि मैंने भी एग्जाम्पल ही लिखा था, परिभाषा लिखी थी ज्ञाप की और उसका एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है। तो इतने हमारा जो है जो स्पेस था पूरा भर गया था, इसके अलावा कुछ बना ही नहीं था, बचा नहीं स्पेस, ठीक है, तो कुछ लिख नहीं पाया, उतना ही स्पेस आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो भी मन में कंफ्यूजन है उनको दूर कर लीजिए, ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि हमको कहीं और बेहतर मिल सकता है, कोई हमारा जानने वाला है, जो भी आपका हो, अगर आपको वहां से मिल सकता है, तो आप बिल्कुल उनकी बात को मानिए। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने कह दिया आप उसको माने, ठीक है, लेकिन मेरा ये सुझाव है, ठीक है, आपको सजेशन है, आप उसको मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही हमको आपको जवाब देना था। और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जब परिभाषा पूछी जाए तो विशेषताएं लिखें, लिखें तो वही बात है ना कि जब स्पेस और टाइम अलाउ करें तो विशेषताएं लिखें, ठीक है, और प्रारूप और उदाहरण एक साथ नहीं बन सकता है क्योंकि इतनी जगह नहीं बचती है, ठीक है। दूसरी बात यह पूछी जा रही है कई लोगों द्वारा कि क्या जो पत्र है वो एक ही पेज में लिखना जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, जितनी जगह बचती है आपकी पेज पर इस पेज पर लिखिए और उसको बचे हुए जो भी मटेरियल है उसको अगले पेज पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए कि जब आप प्रारूप बनाएं, ठीक, जो डॉट डॉट वाला प्रारूप है वो अगर आप बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक पेज पर आ जाए, ठीक है। जैसे कि लगभग जब पत्र लिखने को आता है तो लगभग दो पेज का स्पेस दिया जाता है, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि एक पेज पर आप उसकी परिभाषा और विशेषताएं लिख दें और एक पेज पर आप पत्र का प्रारूप बना दें, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है। और जैसे मैंने बताया था कि अपनी जो कॉपी आपकी है उस पर A4 साइज का इस तरह से बॉक्स बनाइएगा और उसके अंदर इस तरह का आप प्रारूप बनाइएगा डॉट डॉट वाला, थोड़ा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है, कि कहां पर कौन सी चीजें लिखी गई है, ठीक। हाँ, जब एग्जाम्पल लिखने को आता है तो थोड़ा सा हमारा मटेरियल बढ़ जाता है, तो वो पत्र लगभग
डेढ़ पेज पर चला जाता है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, अगर दो पेज मिले हैं तो आधे पेज पर आपको परिभाषा लिखनी है और वहीं उसके परिभाषा जहां खत्म होती है नीचे से उदाहरण लिखना शुरू कर देना है और आपका डेढ़ पेज जो बचा है उस पर आपका पूरा एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपकी पत्र से संबंधित कंफ्यूजन जो भी है वो मैंने दूर करने का प्रयास किया है, ठीक है। दूसरी चीज, जो मॉडल आंसर आप लोगों को दिए जा रहे हैं टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि बहुत कम लोग मुझे भेज रहे हैं, निबंध तो लोग बहुत ही कम लिख रहे हैं। फिर आप लोग कहेंगे सर मुझे निबंध में नंबर नहीं मिला है। मैं बार बार कहता हूं कि निबंध जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही बेहतर आप रिजल्ट पाएंगे। कंजूसी बिल्कुल मत करिए, अपनी कलम को चलाइए, जितना अधिक कलम चलेगी उतना ही अधिक अच्छा कंटेंट निकल करके बाहर आएगा, ठीक है। इसलिए प्रत्येक निबंध को कम से कम 3-4-5 बार लिखिए, इसके बाद मुझे भेजिए, ठीक है। और हिंदी में, चूंकि हिंदी का जो पेपर है यहां पर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, व्याकरणी मिस्टेक, बिंदी नहीं लगी है, मात्रा नहीं लगी है, कहां पर कॉमा लगना चाहिए, कहां पर पूर्णविराम होना चाहिए, कहां पर सेमी कॉलन होना चाहिए, कहां डैश होना चाहिए, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये हिंदी और निबंध का पेपर है, जीएस का जब पेपर होता तो वहां पर चल जाता है, ये माइनर गलतियां हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन हिंदी के पेपर में और निबंध के पेपर में इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है कि आपने बिंदी लगाई या नहीं लगाई, है था या है था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी आप लोग गलतियां कर रहे हैं, बाकी काफी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिख करके भेजे हैं, ठीक है। अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तो वो समझ जाए कि उसने उत्तर अच्छा लिखा है, ठीक है, वो और अच्छा लिखने का प्रयास करे, ठीक। ये कहते ना कि गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, तो आपका उत्तर एकदम बेस्ट होना चाहिए। अभी आप लोग गुड और बेटर की कंडीशन में है, मैं चाहता हूं कि जितना भी समय बचा है आप बेस्ट की कंडीशन में आ जाए, छोटी छोटी गलतियां दूर करें और जो शब्दों के बीच में स्पेस होता है, जैसे इस शब्द और इस शब्द के बीच में जो स्पेस है इसे कहते हैं शब्द स्पेस, ठीक है, तो ये मेंटेन रहे, एकदम से शब्द सटे हुए ना हो, थोड़ी दूरी बनाकर रखें, और ये जो लाइनों के बीच में स्पेस होता है इसे कहा जाता है लाइन स्पेस, ठीक है, तो लाइनें एकदम से एक दूसरे से चिपकी हुई ना हो, ठीक है। कोशिश करिए शब्द स्पेस और लाइन स्पेस आपका मेंटेन रहे, ठीक है। दूसरी, कुछ लोगों की लाइनें टेढ़ी हो रही है, और प्रैक्टिस करिए, कॉपी वहां पर आपको बिना लाइन वाली मिलेगी, ठीक है, सिंपल पेज मिलेगा A4 साइज का, ठीक है, और उसके दाएं साइड भी हाशिया होगा, बाएं साइड भी हाशिया होगा, तो दाएं और बाएं आपको कुछ नहीं लिखना है, जो बीच में स्पेस दिया है वहीं पर आपको लिखना होगा, ठीक है। हम किसी दिन आपको कॉपी दिखा देंगे कि कैसी कॉपी मिलती है आयोग में, हालांकि कुछ लोग जो आयोग की मॉडल कॉपी है जो मार्केट में मिलती है उस पर आंसर लिखकर भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उस पर आंसर लिखेंगे तो आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बेहतर लिख पाएंगे, आपको आदत रहेगी कि हाँ इतना लिखना है, ठीक है। और काउंट कर लीजिए कि एक पेज में आपके कितने शब्द आ रहे हैं, ठीक है। निबंध जब आप लिखेंगे 600 शब्दों में या 700 शब्दों में तो ये आप सारे शब्द काउंट नहीं करेंगे, आप क्या करें कि आपके एक पेज में कितने शब्द आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप देखिए कि एक लाइन में कितने शब्द हैं, एक लाइन में कितने शब्द हैं और उस पेज पर कितनी लाइनें हैं, ठीक। मान लो एक पेज में आपने 8 शब्द लिखे हैं, ठीक है, और आपकी लाइनें हो गई 12, ठीक है, तो 12×8=96, लगभग एक पेज में आपके 100 शब्द आ रहे हैं, ठीक है। अब किसी के 80 भी आ सकते हैं, किसी के 110 या 120 भी आ सकते हैं, ठीक है, अगर कोई छोटा लिखता है तो ज्यादा शब्द आएंगे, बड़ा लिखता है कम शब्द आएंगे, तो उसी हिसाब से एवरेज निकाल लीजिए कि हमको एक निबंध कितने पेज में लिखना है, ठीक है। 10-20 शब्द कम ज्यादा होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम मत रखिए, ज्यादा ही रखिएगा, अगर 600 पूछा गया है 610-15-20 भी हो जाएंगे कोई इशू नहीं है, 700 पूछा गया है 710-15-20 हो जाएंगे कोई इशू नहीं, ठीक है, कम ना रहे, ज्यादा ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हिंदी में बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है जिससे कि आप एक बेहतर उत्तर लिख पाए और हिंदी और निबंध के पेपर में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े काम की बातें हैं, और इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। बाकी और भी जो भी चीजें हैं संक्षेपण से संबंधित या जो भी चीजें हैं सारांश से संबंधित, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे परीक्षा से पहले तक कि आपको किस तरीके से अपने प्रश्न पत्र को हल करना है, ठीक है, पेपर कैसे हल करना है, 3 घंटे कैसे बिताने हैं, इसकी भी आपको हम वीडियो बनाएंगे, पूरा मैटर आपको समझाएंगे कि कहां से आपको स्टार्ट करना है, कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, आपको ऐसा ही परीक्षा में करना है, ठीक है। अगर कोई और क्वेरी आपकी हो तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं या फिर ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं,
जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया था वहां पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।